हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, RSMSSB यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है CET 10+2 भर्ती परीक्षा का जो अभी पेपर बन रहा है, जो पेपर लग रहा है, उसकी दोस्तों रणनीति है वो क्रैक कर ली गई है। कैसा पेपर आ रहा है, कौन से पार्ट में से कौन से प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है। परीक्षा में जाने से पहले आपको ये फुल मॉडल पेपर है वो देख कर जाना है। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखना। एक एक प्रश्न है वो इसमें महत्वपूर्ण है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये मॉडल पेपर। देखिए पहला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया, जिसको अपन काजरी के नाम से जानते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको अपन काजरी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी और कब हुई थी, तो दोस्तों 1959 में हुई थी। यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सिर्फ और सिर्फ गलत उत्तर चेक करते हुए निकले कि आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा सही नहीं है वो बताना है। देखिए, अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, बिल्कुल सही है। अभी सेकेंड ग्रेड में भी एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों अध्यक्ष सहित 3 सदस्य हैं। ठीक है, देखिए पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे नहीं होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए, इसमें आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है, बिल्कुल सही है। जहां पर भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो वहां ये दोस्तों स्वयं भी जांच करते हैं। ठीक है, देखिए आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है, तो दोस्तों आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान नहीं है, सदस्यों का प्रावधान है, 2 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, लेकिन उपाध्यक्ष का प्रावधान नहीं है। तो यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है, तो यहां पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य दे रखा है। 3 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलाकर कुल सीटें कितनी है, तो दोस्तों कितनी सीटें हैं तो सभी को पता होगा, 25 तो लोकसभा की है और 10 राज्यसभा की है, तो टोटल हो गई 35। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है, बताइए किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें सूरतगढ़। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, और उसकी जो विद्युत क्षमता है वो सर्वाधिक है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है, तो दोस्तों कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है लिग्नाइट कोयले की किस्म पाई जाती है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रेसाइट, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जिसमें से सबसे कमजोर कोयला होता है पीट का, और एंथ्रेसाइट है वो सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गोट मंगलोद या गोट मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिप्सम से है दोस्तों, जिप्सम उत्पादन होता है गोट मांगलोद क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना, और ये नागौर जनपद में स्थित है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर, नागौर और गंगानगर। बीकानेर, नागौर और गंगानगर में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, बताइए राजस्थान राज्य में किस नदी का क्षेत्र, यानी कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वाकल। ठीक
ठीक है। वाकल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो न्यूनतम है, और ये साबरमती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव, ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव, ठीक है। यह है दोस्तों इसका प्रमुख कारण। तो यहां पर है अपना राइट आंसर हो जाएगा, वो है एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है? राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो दोस्तों वो है जैसलमेर, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनिया का काल से जाना जाता है घटित हुआ? भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनिया का काल के नाम से जाना जाता है वो कब घटित हुआ था? छपनिया का अकाल कब घटित हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए 1899 से 1900 जो ईस्वी है इसको दोस्तों छपनिया का अकाल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है, बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है वह है? दोस्तों उत्तर दक्षिण विस्तार कौन से जिले का है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले का जो विस्तार है वो दोस्तों उत्तर दक्षिण में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह रेखा कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों जोधपुर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर। 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह है दोस्तों अपना इसमें रावलों की मादल, रावलों की मादल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों ये आभूषण है, ये दांत का आभूषण है, ठीक है। चुंपा है, ये दांत का आभूषण है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों छोटी तीज का त्योहार है ये हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में ये शुक्ल तृतीया को दोस्तों ये छोटी तीज है ये मनाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 17 नंबर प्रश्न है, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है? दोस्तों तेजाजी के मेले का आयोजन है ये परबत्सर नागौर में किया जाता है, तेजाजी के मेले का आयोजन। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित थी? बनी ठनी है ये दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित थी। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो आगे देखिए, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है? दोस्तों राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है, तो वो वाक्य कौन सा है? दोस्तों वो है पधारो म्हारे देश, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे पधारो म्हारे देश ये पर्यटन का लोगो है वर्तमान में, ठीक है। और यहां पर जानने क्या दिख जाए, ये दोस्तों वसुंधरा राजे के कार्यकाल में था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में क्या है? पधारो म्हारे देश, ये आपको याद रखना है, पधारो म्हारे देश, ठीक है। ये
राजस्थान पर्यटन का लोगो है, ठीक है, बाकी ये इसमें चारों गलत है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो कौन सा एक जैन मंदिर है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो तुलजा भवानी मंदिर है ये एक जैन मंदिर है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा तुलजा भवानी मंदिर है, ये जैन मंदिर है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को अपने को यहाँ पर क्या करना है, पहचानना है। देखिए एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए अर्जुन लाल सेठी, दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का जो कार्य क्षेत्र है वो जयपुर था ना कि उदयपुर, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, जयपुर था। जयनारायण व्यास का था दोस्तों जोधपुर, केसरी सिंह बारठ का था मेवाड़ और गोविंद गिरी का था वागड़, ये बाकी तीनों सही दे रखे हैं। यहाँ पे गलत युग्म कौन सा है, एक नंबर वाला, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे तो वो कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा वो है भोगीलाल पांड्या, कौन थे, भोगीलाल पांड्या, यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए वरीक वंश ने शासन किया था किस क्षेत्र पर, तो दोस्तों बयाना पर किया था, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वरीक वंश ने राजपूताना के बयाना क्षेत्र पर शासन किया था 371 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहां पे 24 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था, दोस्तों शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है वो कौन माना जाता था, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रधान के रूप में माना जाता था दोस्तों शासक के बाद में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, ठीक है, प्रधान, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रधान। आगे देखिए राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, दोस्तों राजस्थान में जहांगीर के महल है ये पुष्कर में स्थित है, दोस्तों कहाँ पर है, पुष्कर में स्थित है दोस्तों जहांगीर के महल, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री गंगानगर में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर प्रश्न है, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार ने नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें संबंधित है, दोस्तों ये संबंधित है किससे, तो ये बकरियों से संबंधित है दोस्तों, ये नस्ल है जकराना, ये बकरियों की नस्ल है, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ जिला है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों जैसलमेर में, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों ये चूरू में है, फुलवारी की नाल कहाँ पर है दोस्तों ये उदयपुर में है, और बंद बारेठा कहाँ पर है ये भरतपुर में है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए 3, 4, 1, 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3, 4, 1, 2 किसमें है, पहले नंबर के ऑप्शन में ही है और ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति की गई, यानी कि सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा नीति है ये राजस्थान सरकार ने वर्ष 2010 में जारी की थी, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया,
राजस्थान में आजीविका मिशन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये किया गया 2004 में आजीविका मिशन का प्रारंभ किया गया। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2004 में। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी कि सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पोखरण जैसलमेर में। आगे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है, माननीय मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है, तो दोस्तों ये 7 सूत्रीय जो कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? दोस्तों मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम है ये राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में महिला सशक्तिकरण से संबंधित है ये 7 सूत्रीय कार्यक्रम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट में मद है और सूची सेकंड में जिले है। देखिए नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? दोस्तों नमदे टोंक जिले के प्रसिद्ध है। डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोटा डोरिया, कोटा की डोरिया प्रसिद्ध है। दोस्तों अजरक का प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और मार्बल मूर्ति निर्माण है ये दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों 2531, 2531 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2531 यानी कि एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि 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 दोस्तों सरसों की भूसी उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि सरसों की भूसी है वो यहाँ पर उपलब्ध है, इसलिए राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? तो ये दोस्तों जस्ते की बनी पानी की बोतल है। ठीक है, जस्ते से बनी पानी की बोतल है ये, जिसको बादला बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि इसमें पानी है वो काफी देर तक ठंडा रहता है। आगे देखिए, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों संत जाबो जी। ठीक है, जिनको बिश्नोई के नाम से जानते हैं, 20+9 यानी कि 29 नियम दिए थे इन्होंने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? दोस्तों एक फिल्म है पहेली, ठीक है, उसका निर्माण है वो अमोल पालेकर के द्वारा किया गया, और ये किसकी कहानी है ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये कहानी है विजयदान देथा की कहानी है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजयदान देथा की कहानी है। 38 नंबर प्रश्न है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रही? तो दोस्तों ये प्रथम बार जो मुख्यमंत्री है ये रही थी कब से कब तक? तो ये दोस्तों 2003 से लेकर 2008 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रही, कौन? वसुंधरा राजे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आयड़ माता, आयड़ माता का स्वरूप माना जाता है दोस्तों सुगन चिड़ी को। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से दोस्तों गोगा जी को जाना जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोगा जी को जाना जाता है जाहर पीर के नाम से। आगे देखिए, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? दोस्तों जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की जो स्थापना है यह हुई थी दोस्तों महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जानो टन क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानो टन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है, वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला जो भोज है उसको जानो टन कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, ये मूलभूत अधिकारों में है। ठीक है, क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला चेन स्थापित करते हैं, बिल्कुल सही है। माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, और सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये जो माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी है वो बच्चे होते हैं, ये दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, इसको कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य है वो है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है सभी वयस्क सदस्य, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, किसी तेल लगी हुई सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? ये अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। अच्छा प्रश्न, आप इसको कह सकते हैं, और अपने प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं, जनरल साइंस से संबंधित। किसी तेल लगी सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यतिकरण के कारण। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण। आगे देखिए, माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण, पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। ठीक है, ये इसमें शामिल है माइक्रोवेव ओवन के कार्य में, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायु से कांच में जाती हुई प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होती है क्योंकि, वायु से कांच में जाती हुई प्रकाश की किरणें अपरिवर्तित होती है क्योंकि, क्योंकि दोस्तों कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा बनने वाली किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? किसी समतल दर्पण द्वारा बनने वाली किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीधा आभासी और उसी आकार का, सीधा आभासी और उसी आकार का, यह किसी समतल दर्पण द्वारा बनने वाली किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोई पिंड अवतल दर्पण के फोकस पर रखा है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा? कोई पिंड अवतल दर्पण के फोकस पर रखा है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों इसमें अनंत पर वास्तविक प्रतिलोमित अत्यंत विविधित। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अरंधेरा सेकेंडरी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में तुरंत पहुंचता रहे। और दोस्तों जो सीईटी जो स्नातक लेवल के स्तर की भी परीक्षा होती है, ठीक है, उस परीक्षा के भी अगर आपको मॉडल की मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखने हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सीईटी स्नातक स्तर मॉडल पेपर और सीईटी 10+2 स्तर के मॉडल पेपर के नाम से वहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर जो मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, और
ऐसी चीज़ें हैं वो आपको बहुत कम मिलेगी, तो इसलिए टेस्ट है वो रोज़ाना दें, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अगर आपको फ्री मिल रहा है तो फ्री की चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे, यानी कि उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मास्फीति कहा जाता है। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऊष्मास्फीति। आगे देखिए, इनमें से कौन सा रसायन है जल में घुलनशील नहीं है, तो इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखिए, गन्ना में पाया जाता है दोस्तों, गन्ना में क्या पाया जाता है, गन्ना में दोस्तों ग्लूकोज प्लस है फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस है फ्रक्टोज पाया जाता है गन्ना में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अम्लीय विलयन में फिनोल फ्लेथिन का रंग कैसा होता है बताइए दोस्तों, इसमें जो रंग है वो रंगहीन होता है, कैसा होता है, रंगहीन। यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लेथेनाइडस और एक्टिनाइडस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पहली सार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है, पहली सार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो है दोस्तों कौन सी है, तो दोस्तों पहली सार धातु लिथियम है। ठीक है, कौन सी है, लिथियम, तो यहाँ पर लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर है सिरके की इनमें से कौन एक प्रमुख संगठक अम्ल है, सिरके की इनमें से कौन एक प्रमुख संगठक अम्ल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एसिटिक, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एसिटिक। आगे देखिए, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता, यानी कि पेट में नहीं स्रावित होता, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो कौन सा एक तत्व नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलिका, सिलिका को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक तत्व नहीं है, बाकी सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और ग्रेफाइट है, ये तीनों है, सिलिका नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है खनिज, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खनिज कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, उस पोषण के प्रकार का नाम बताइए जिसमें तीव्र सॉरी जिसमें जीव मृत और सहकारी पदार्थों के विलयन के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करता है, उस पोषण के प्रकार का नाम बताइए जिसमें जीव मृत और सहकारी पदार्थों से विलयन के रूप में पोषक तत्व ग्रहण करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, मैं आपको बता दूं, 10+2 लेवल में जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और स्नातक स्तर में कम पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, परपोषित पोषक की एक पद्धति नहीं है, परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें स्वचालित, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्वचालित। आगे देखिए, एक बेंडिकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, एक बेंडिकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक जल निकासी सफाई रोबोट से संबंधित है। ठीक है, बेंडिकूट एक रोबोटिक मशीन है जिसे किसी भी प्रकार के सीवर मैन होल की सफाई के लिए बनाया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सफाई रोबोट है। आगे देखिए, एक वयस्क मानव के हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है, तो दोस्तों औसत वजन है ये 300 ग्राम होता है लगभग, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आनुवंशिकी के जनक कौन है, आनुवंशिकी के जनक है वो दोस्तों कौन है, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल,
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया तो वो है दोस्तों आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय उपग्रह जी सेट 7 अनन्य रूप से बनाया गया है, भारतीय उपग्रह जी सेट 7 है अनन्य रूप से बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सैन्य संचार हेतु, सैन्य संचार हेतु बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है, ये वायुयान बनाए जाते हैं तो बताइए किसके द्वारा ये C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय जो वायुसेना द्वारा प्रयोग में लाया जाना जो प्रयोग में लाया जाता है जो वायुयान, ये कहाँ यानी कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये बनाए जाते हैं किसके द्वारा, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए जाते हैं, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्वांटम डॉट है, क्वांटम डॉट है तो ये क्वांटम डॉट क्या है दोस्तों, ये अर्धचालक नैनो संरचना है क्वांटम डॉट, ठीक है अर्धचालक नैनो संरचना, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यूरिया, यूरिया यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। आगे देखिए जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से जैव विविधता को अधिकतम संकट है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है, यहां पर देखिए दोस्तों एक तरफ प्रदूषक है दूसरी तरफ होने वाली बीमारी है, तो पारा से मिनी माता बीमारी होती है बिल्कुल सही है, कैडमियम इटाई से दोस्तों इटाई बीमारी होती है बिल्कुल सही है, इटाई इटाई बीमारी होती है कैडमियम से, ठीक है और नाइट्रेट आयन से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और फ्लोराइड आयन से दोस्तों यहाँ पे अपच, ये गलत हो जाएगा, फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस रोग होता है, यहाँ पे अपच है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से अधिनियमित किया गया, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1980 में, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हाइड्रोजन, यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे देखिए भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वर्ष 2008 में, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। आगे देखिए उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है तो दोस्तों मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो है दोस्तों यहाँ पे देखिए धान का खेत है ये दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए टेपीओका का दूसरा नाम है,
टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? टेपियोका का दूसरा नाम है दोस्तों, टेपियोका को कप्पा या कसावा कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हंसावर, यानी कि फ्लेमिंगो। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है बहुकोशल, यानी कि वर्सेलिटी। तो यहाँ पे अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने जो ये क्वेश्चन है ये कंप्यूटर से संबंधित हो चुके हैं। प्रारंभ 81 से 90 तक अपन कंप्यूटर के प्रश्न पढ़ेंगे, कंप्यूटर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे 82 नंबर का प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चेन्नई में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। आगे देखिए, एक माइक्रो कंप्यूटर कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक किससे बना होता है? तो दोस्तों ये किससे बना होता है? तो ये एक स्टेबलाइजर से बना होता है। एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट और एक स्टेबलाइजर से बना होता है ये माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सॉरी 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 सॉरी, स्टेबलाइजर नहीं, इसमें आएगा मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, एक इनपुट इकाई, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट और एक मेमोरी यूनिट से बना होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये स्टेबलाइजर तो बिजली को नियंत्रित करने के लिए होता है। ठीक है, आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप क्या है? तो दोस्तों वो प्रतिरूप क्या है? तो वो है आइकॉन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइकॉन। आगे देखिए, निम्न में से क्या इंकजेट प्रिंटर की त्रुटि है? निम्न में से क्या इंकजेट प्रिंटर की त्रुटि है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्याही बनाना। ठीक है, ये स्याही बनाना ये त्रुटि है, बाकी इसमें सब सही है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चुंबकीय कार्ड रीडर एक उपकरण है जिसका उपयोग है किसको पढ़ने के लिए किया जाता है? चुंबकीय कार्ड रीडर एक उपकरण है जिसका उपयोग है किसको पढ़ने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड्स के लिए। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जहाँ टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जहाँ टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंडेंट मार्कर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंडेंट मार्कर। आगे देखिए, शॉर्टकट का प्रयोग करके अपनी इटालिक्स शैली को सामान्य शैली में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो कैसे परिवर्तित करेंगे? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पावर पॉइंट प्रदर्शन में सभी स्लाइड्स के लिए एक समान पृष्ठभूमि छवि या दिखावट का उपयोग करने के लिए चुने। पावर पॉइंट प्रदर्शन में सभी स्लाइड के लिए एक समान पृष्ठभूमि छवि या दिखावट के लिए प्रयोग करने के लिए चुने, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अप्लाई टू ऑल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अप्लाई टू ऑल। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एम एस एक्सल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट है बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला यानी कि सीरीज चित्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्ट्रक्चर चार्ट। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है, अब दोस्तों 15 प्रश्न है वो यहाँ पर आपको मैथ से संबंधित देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ए बी एवं सी के बीच 671 की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि
यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये की वृद्धि की जाए तो राशि 1:2:3 के अनुपात में हो जाती है। तो एक ही हिस्से की राशि क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो 671 है इसमें आपको प्लस करना है 3, 7 और 9, 3, 7 और 9 यानी कि 10 और 9 19 प्लस करने हैं। तो दोस्तों 671 में अपन 19 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 690। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सीधा सा है, अपने को 1:2:3 अनुपात में बांटना है तो अनुपातों की संख्या कितनी है, 3, योग कितना है 6। ठीक है, तो सीधा सा अपने को यहाँ पर क्या करना है, 690/6 कर दीजिए, सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, 115, कितना 115। अब 115 तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर देखिए उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 रुपए की वृद्धि की जाए, तो ये 3 रुपए की वृद्धि है वो की जाए, तो ये वृद्धि की हुई है राशि 115, तो एक की हिस्से की जो राशि है वो कितनी है, तो 115 में से 3 गए तो कितने बचे, 112, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है, अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा। दोस्तों आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, आप स्टॉप करके आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, 110 इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ये प्रश्नावली है जो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं उसकी प्रश्नावली अलग से करवाऊंगा। आगे देखिए, एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है, यदि यह घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती है और 14 रुपए कम दाम पर बेची जाती है तो 25% का मुनाफा होता है, घड़ी की लागत कीमत है वो अपने को यहां पर ज्ञात करना है, कर सकते हैं, ऑप्शन उठा के कीजिए, सीधा सा राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 400 रुपए, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन उठा के करोगे सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए ये भी ऐसा ही है, ABC, यह 3 साझेदार व्यापार शुरू करते हैं, ए की दुगनी पूंजी बी की तिगनी पूंजी जितनी है और बी की पूंजी सी की पूंजी के चौगुनी है, साल के अंत में 16,500 के मुनाफे से बी का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों वही जो अपन ने शुरू में किया है वैसा ही अपने को यहाँ पर भी करना है। ठीक है, पहले तीनों का अनुपात निकालना है, ठीक है, अनुपात निकालोगे तो इसमें अनुपात 6:4:1 आ जाएगा, और अब इतना आ गया तो आगे आप आसानी से कर ही सकते हैं इसको, राइट आंसर इसमें 6,000 रुपये होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, धोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में 956 हो जाती है, तो 3 साल में 800 की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हुई है। सीधा सा है, ब्याज निकालना है तो दोस्तों 956 में से 800 घटा दीजिए कितना आ गया, 156 आ गया, कितना आ गया 56। ठीक है, तो ये अपना क्या है, साधारण ब्याज है 156, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 156 बराबर मूलधन कितना है दोस्तों 800 दर अपने को पता नहीं है, समय कितना है 3 वर्ष है, बटे 100 कर लीजिए, काट लीजिए इनको, आपस में काटोगे तो दोस्तों ये देखिए इसमें 8 3 24, ठीक है, तो 24 156 में 24 का भाग दिया तो दोस्तों अपने पास में आ गए 6.5%, ये अपनी क्या आ गई, दर आ गई। ठीक है, और 4% की वृद्धि करने पर जो ब्याज की दर है वो क्या होगी, तो दोस्तों वो हो जाएगी, देखिए 6.5 तो अभी है अपने पास में, 4% की वृद्धि प्रश्न में बोला गया है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10.5%, तो 800 × 3 × 10.5/100 कर लीजिए। ठीक है, और फिर अपने पास साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा कितना, 252 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों 800 में 252 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1052 आ जाएगा, और यही अपना राइट आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए निम्न निम्न डेटा समुच्चय के माध्यिका और बहुलक क्या है, तो माध्यिका और बहुलक क्या है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए
यहाँ पे संख्या दे रखी है। सबसे पहले तो अपने को इनको आरोही क्रम में जचाएंगे। आरोही क्रम में जचाने के बाद में दोस्तों अपने को यहाँ पे देखिए पदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 9 है। कितनी है? 9 है। तो दोस्तों पदों की संख्या प्लस 1/2, यानी कि कौन सा पद हो जाएगा? पांचवा पद। और पांचवा पद कौन सा है दोस्तों? इसमें पांचवा पद 16 आएगा। कौन सा? 16। और बहुलक है वो कितना आएगा? 7। सर्वाधिक बार संख्या है तो 7 इसमें बहुलक आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 और 7 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि टेनिस पर पूरे व्यय का कितना प्रतिशत खर्च हुआ? टेनिस पर कुल कितना खर्चा हुआ वो अपने को यहाँ पर बताना है। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये 360 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेनिस में कितना है? 45%। तो आप सीधा सा यहाँ पे निकाल सकते हैं 45/360 × 100। कर लीजिए, सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कितना? 12.5% अपना राइट आंसर आएगा इसमें। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। आयत की लंबाई 25 सेमी है और चौड़ाई लंबाई से 2 गुनी है। इसको छोड़ दीजिए, प्रश्न सही से टाइप नहीं हुआ। आगे देखिए, 343 मीटर के परिमाप का एक घन यानी कि क्यूब एक गोले में पूरी तरह से समावृत है। गोले का परिमाण का पता लगाइए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इसमें 343√3। तो यहाँ पर ये अपना बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। 343√2 पाई मीटर क्यूब। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या से 396 अधिक होती है। तो ये उल्टा पुल्टा करते रहिए, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। ये भी देखिए, बिंदु ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है। सूत्र लगाइए, डायरेक्ट आंसर निकल आ जाएगा इसमें। देखिए दोस्तों, ये लॉग वाला क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। 103 नंबर में देखिए, किसी जंगल के 36,562 पेड़ों का वर्ग बनाना है। विन्यास के बाद देखा गया कि कुछ पेड़ बच गए, कुल कितने पेड़ बचे वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें 191 × 191 + 81, ठीक है। तो 191 का आप दोस्तों क्या करोगे? वर्ग करोगे, और वर्ग करने के बाद में 81 है वो दोस्तों यहाँ पे शेषफल बचेंगे, ठीक है। और वही अपना ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? उनको कहते हैं दोस्तों केंद्रक। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक। आगे देखिए, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में देखिए यहाँ पे बी समकोण है। यदि टेन ए रूट तीन हो तो साइंस ए कोस सी और कोस ए साइंस सी का मान है वो क्या होगा? ये थीटा से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 111 सॉरी, इसमें राइट आंसर होगा अपना 1, ठीक है। 1 ही आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अब अपने जो मानसिक योग्यता यानी कि दोस्तों रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है वो दोस्तों कितने पूछे जाएंगे परीक्षा में? तो 10 क्वेश्चन है वो रीजनिंग से संबंधित पूछे जाएंगे मित्रों, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखिए, हेलीकॉप्टर रीजनिंग तो पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं वैसे, ठीक है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए, हेलीकॉप्टर को यहाँ पर यह लिखा जाता है तो पैसेंजर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सब में दो दो जोड़ना है। एच में दो जोड़ा तो जे आ गया, ई में दो जोड़ा तो जी आ गया, ठीक उसी प्रकार पी में दो जोड़ा तो दोस्तों क्या आ गया? आर आ गया। ए में दो जोड़ा तो सी आ गया। तो ऐसे ही होगा, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 107 नंबर प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में दोस्तों कोंगो को RZPRD लिखा जाता है, तो ट्रेट को UQGWX लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फोन को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसमें दोस्तों देखिए, CO को
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, CONGO, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसको लिखा गया है दोस्तों क्या, RZPRD, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें तो क्या किया गया, 3 प्लस किया गया है, सॉरी 3 माइनस किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें प्लस के 3 किए गए हैं। तो इसमें दोस्तों -3 किया गया है, और सॉरी इसमें देखिए कितने हैं, 5 हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें तो -3 किए गए हैं और इसमें प्लस किए गए हैं, और इसमें बीच वाले में दोस्तों प्लस के 2 किए गए हैं, NP। टोटल 5 अक्षर हैं, दोनों को तो क्रॉस में करवा दिया, ठीक है, दो दो को, एक बीच का है उसमें दोस्तों प्लस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा KMQHK, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस प्रकार गीला का संबंध है भिगोना से, उसी प्रकार चुबोना का संबंध किससे है, चुबोना का संबंध है वो है दोस्तों पिन से, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 समूह है किसी विशेष प्रकार से एक दूसरे के समान है, इनमें से एक असमान है, उस असमान विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें भिन्न कौन सा है, तो LMOQ, ये भिन्न है दोस्तों, LMOQ, LMOQ, क्योंकि इसमें दोस्तों गैप चल रहा है वो 1 का 2 और 2 का गैप चल रहा है इसमें, ठीक है। और बाकी में दोस्तों ऐसा नहीं है, बाकी में सब के अंदर 2 2 का गैप चल रहा है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, दो मित्र राम और श्याम उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़े हैं, श्याम अपनी बाई ओर 5 किलोमीटर चलता है, श्याम अपनी बाई ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा अपनी बाई ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यानी कि बाई ओर चलने के बाद में 10 किलोमीटर चलता है, जबकि राम उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, राम उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। राम और श्याम के बीच में कम से कम दूरी क्या है, तो दोस्तों ये अपने को कर्ण ज्ञात करना है, ठेठ लंबा वाला कर्ण है वो ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसको ज्ञात है वो अपन आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 और 2 कितने हैं, 12, ठीक है, और 12 और 10 दे रखा है, तो दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 10 का कितना होता है, 100, तो कितना हो गया, 244, 244 का रूट अगर अपन निकालें, सॉरी यहाँ पे देखिए 244 रूट दे ही रखा है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच सही संबंध दर्शाता है, शिक्षक गायक माताएं, शिक्षक गायक माताएं, तो इसमें डायग्राम दोस्तों सी नंबर वाला बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये कथन दे रखे हैं दोस्तों, यहां पर देखिए कथन एक में, सभी पेन अपमार्जक यानी कि रबड़ है, सभी पेन है वो क्या है, अपमार्जक यानी कि रबड़ है, ठीक है, सभी अपमार्जक रबड़ पेंसिल है, यानी कि ये दोस्तों पेंसिल हो जाएगा। अब इसमें ये तो हो गया दोस्तों पेंसिल, ठीक है, और ये हो गया अपमार्जक, और ये हो गया दोस्तों इसमें पेन, ठीक है। अब इसमें देखिए निष्कर्ष में, सभी पेंसिलें पेन है, तो सभी पेंसिल हैं वो क्या है, पेन है, तो वो तो इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी नहीं है, सभी पेन पेंसिल है, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, सभी पेन पेंसिलें हैं बिल्कुल सही है, यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में आगे जाएगा, तो दोस्तों ये आगे जाएगा वो श्रृंखला कौन सी होगी, इसमें वो अपने को बताना है दोस्तों। इसमें देखिए, ये जो श्रृंखला आगे जाएगी वो डी नंबर वाली जाएगी दोस्तों इसमें, ठीक है, डी नंबर वाली श्रृंखला जाएगी, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण को रखने पर बनने वाले सही प्रतिबिंब का चयन करें, तो दोस्तों ये दर्पण के सामने अपन ये चित्र रखते हैं, तो ये कौन सा चित्र बनेगा दोस्तों, इसमें चित्र बनेगा ये वाला डी नंबर ऑप्शन वाला, ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दी गई आकृति में आयत कितने हैं,
दी गई आकृति में आयत कितने हैं? तो दोस्तों आयत है वो कितने हैं, तो इसमें 19 आयत है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 19 आयत। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? दोस्तों इसमें जो आकृति है वो पहली वाली आकृति है वो बनाई जा सकती है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया हुआ समीकरण सही हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या चेंज करना है, भाग और गुणा का निशान आपस में चेंज करना है। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। ये कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कथन दे रखा है, अंतर्राज्यीय न्यायिकरण का अंतिम सॉरी अंतर्राज्यीय न्यायिकरण का निर्णय अंतिम है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का फैसला। पूर्वानुमान में देखिए, पहला में देखिए, अंतर्राज्य न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतर निकाय है, न्यायाधिकरण को तकनीकी निर्णय लेने के लिए बनाया गया है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर पूर्वानुमानों को बताना था, तो इसमें देखिए पहला जो पूर्वानुमान है वो इसमें क्या है, सही नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें दूसरा है वो सही है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, केवल पूर्वानुमान सेकंड अंदर निहित है। ठीक उसी प्रकार ये भी है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये दो चार क्वेश्चन है या पूर्वानुमान से संबंधित है, ये आप आसानी से कर सकते हैं इनको। जैसे 121 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, एक तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए जूले ने कहा, वह मेरे ससुर जिनके सिर्फ एक ही पुत्र है के इकलौते पोते की पत्नी का ससुर है। तस्वीर में दिखाए गए पुरुष का जूली से संबंध है। तो दोस्तों जूली से संबंध है वो क्या है, दोस्तों आदमी जूली का क्या है, पति है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 122 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला में अगली संख्या है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 11, 6, 7, 16, 59, ठीक है, 11, 6, 7, 16, 59। तो दोस्तों यहाँ पे आगे क्या आएगा, आगे आएगा दोस्तों इसमें 290, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 को अपन ने क्या किया, एक से मल्टीप्लाई किया, फिर -5 कर दिया, तो यहाँ पे 6 आ गए। उसी प्रकार 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -5 कर दिए, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस कर दिए, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस कर दिए, 59 आ गए, और 59 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे 290 आ जाएंगे। आगे देखिए, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगली संख्या क्या होगी वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 112, 56, 60, 30, 34 आगे क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। दोस्तों ये देखिए सभी में आधा हो रहा है, 156 का आधा कितना, सॉरी 112 का आधा 56 होता है, 60 का आधा 30 होता है, 34 का आधा कितना होगा, 17। आगे देखिए, दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये ए बी सी डी दे रखी है, निम्न में से कौन दाएं से 22वें के दाएं 9वां है? तो दोस्तों यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, ठीक है, सी अपना राइट आंसर आ जाएगा, आप देख लीजिए इसको। आगे देखिए, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, 125 नंबर का, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है ये। अब अपन यहाँ पे दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, हिंदी के अपन यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी से संबंधित, ठीक है, और 10 क्वेश्चन है वो इंग्लिश से संबंधित। देखिए स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों स्थान प्लस अपन, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रसोई घर और देशभक्ति, ठीक है, ये यानी कि रसोई के लिए घर और देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण, ठीक है, तो इसमें वी प्लस आ प्लस करण, ठीक है, व्याकरण में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय किस में लगा हुआ है? दोस्तों यहां पर देखिए
जादूगर, जादूगर में दोस्तों घर प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखिए 130 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कर्म और क्रम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है देखिए काम और सिलसिला। कर्म का मतलब होता है काम और क्रम का मतलब होता है सिलसिला। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द कौन सा है, तो दोस्तों जीवन देने वाली दवा। तो यहाँ पर जीवन देने वाली दवा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, तो कौन सा समूह सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा पहाड़, पुस्तक, पर्वत। ये दोस्तों पर्याय शब्दों का समूह सही नहीं है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है, तो सही युग्म कौन सा है, तो वो है दोस्तों देखिए अधि निरध, निरध, ठीक है, बिल्कुल सही दे रखा है। तो बाकी इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, तो वो शब्द कौन सा होगा, वो हो जाएगा दोस्तों उच्छिप्त। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उच्छिप्त। आगे देखिए कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरा का अर्थ क्या है, दोस्तों वो है ईर्ष्या से जलना। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रकृति, पुनर्जन्म, वृत्सना, बलिष्ठ। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों मैंने गुरुजी के दर्शन दिए, मैंने गुरुजी के दर्शन दिए, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, और यहाँ पर देखिए अवयव है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो दोस्तों यहां पर देखिए आप देख सकते हैं खड़ी है, ठीक है, सीता के आगे रमा खड़ी है, ठीक है। अब इसमें अपने को बताया गया है डायग्राम के आगे, देखिए ये आगे है, ये अंडरलाइन है, तो ये क्या है, तो ये संबंध बोधक अवयव है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संलग्न का हिंदी रूपांतरण है, तो संलग्न का हिंदी रूपांतरण है वो है दोस्तों एनक्लोज्ड, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को घोषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों अधिसूचना कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पेशी वॉइस से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पेशी वॉइस, यानी कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माई वॉच वॉज लॉस्ट, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इन क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म से संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे सेंटेंस देखिए हाउ स्मार्ट यू आर सी सेड, तो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों क्या, तो ये हो जाएगा सी एक्सक्लाइम्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे अपने को ये वर्ड बताना है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है वो बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोलिक्ट, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना, क्या होता है प्रार्थना करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिसीच, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे देखिए हैविंग इन्फिनेट पावर, हैविंग इन्फिनेट पावर, ठीक है, तो ये होता है सर्वशक्तिशाली, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट बोलते हैं इसको, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटालिसाइज आइटम्स एंड फ्रेज, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए जुदास किस, ए जुदास किस, ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्ती की आड़ में विश्वासघात करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ बेट्रायल स्पेशली वन डिसगाइज्ड
एज ए ग्रेसर ऑफ फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये पेशी वॉइस से संबंधित क्वेश्चन है, आप पेशी वॉइस पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक आप 3-4 क्वेश्चन है ये सोल्व आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि ये पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है तो ये भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, द वर्ड होमेज इज यूज इन द पैसेज मीन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि का मतलब होता है ट्रिब्यूट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको ये 10+2 भर्ती परीक्षा यानी कि सीईटी 10+2 के लिए ये मॉडल पेपर करवाया है, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आद्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।